वेलकम बैक जी, आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद जमाल मोहसिन साहब जो कि कूफिक स्टाइल कैलीग्राफर हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक है और ये दुनिया भर में वर्चुअल एग्जीबिशंस के साथ साथ अपनी सोलो एग्जीबिशंस भी कर चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल होता है कि खानदानी विरासत में आपको जो फन मिले उसके उस पर पूरा उतरना और वो खानदान की इज्जत का एक प्रेशर, उस नाम का एक प्रेशर भी होता है और आपका माशाल्लाह ऐसी ही कुछ कहानी है जी। बेशक यकीन है, जिसमें तरबियत का बहुत बड़ा अमल दखल है। बचपन से ही जब शऊर की आँख खोली तो घर में तख्ती लिखते हुए देखा सबको। अरे वाह। तो मैंने भी तख्ती लिखना शुरू की और तख्ती के साथ साथ फिर फन खताती की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है रुझान हुआ जी। और कूफी चूँकि मेरा माइंड जो है वो उसकी तरफ काफ़ी रागिब है, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ना कंपोजिशंस बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाई हैं इसमें जी। और नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर मैं जो है ना वो काम करता रहता हूँ, जो भी काम मिलता है वो अल्हम्दुलिल्लाह किया जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि वो जो तख्ती हम भी बचपन में लिखा करते थे, वो गाची से तख्ती को तैयार करना, फिर कलम को काटना, फिर उस कलम से ये अब चीज़ें, ये रिवायत अब ख़त्म हो गई है। आजकल के बच्चे जो इस वक्त देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे कि ये क्या बाबे और आंटियां बैठ के यू नो खत्ताती की बात करें, कलम की बात करें, तख्ती की बात करें। आजकल तो डिजिटल दौर है, मैं चैट जीपीटी को कहूं वो इतनी खूबसूरत एक खत्ताती मुझे बना के दे देगा और मैं नीचे लिखूंगा तौसीक हैदर और मैं उसको फ्लोट कर दूंगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गुजारिश ये है कि जो बुनियादी सीखने के अमल के लिए तरबियत का जो हिस्सा थी वो तख्ती थी। तख्ती जो है वो बज़ात खुद एक मेहनत तलब काम था, तख्ती का संभालना और फिर उसको लिखना और उसकी खुशबू, उसकी खुशबू मिट्टी जो है उसको लगा के फिर उसको न्यूज़पेपर से उसको साफ करना, स्मूथ करना ताकि कलम जब आप चलाएं तो वो कहीं पे उसको रुकावट ना मिले कलम को, तो तभी जो है ना उसकी जो है ना खूबसूरती जो है वो जो कुछ आप लिख रहे हैं उसकी नुमाया होगी। तो उसके बाद जो है ना एक हिस्सा था तरबियत का इसमें स्लेट जी, बिल्कुल उसका भी बड़ा अमल दखल था। फातिमा, स्लेट क्या होती? स्लेट तक तो मुझे पता है, जो तख्ती है वो हमारे बचपन में भी नहीं थी। स्लेट वो जो ब्लैक और वो होती है और उसके ऊपर आप उससे लिखते हैं ना, किस वो उसको मार्कर चौक से? नहीं, वो चौक होती है या स्लेटी? जी जी, पास करना चाह रही थी, हम इसकी उम्र पता कराना चाह रहे जी। देखिए आपने अब जिस तरह ये कहा कि आप शुरू में आपने उस पर भी लिखना है और फिर स्लेट पे ऊपर आ जाना है, ये चीजें मेरे बचपन, लेकिन अब जिस तरह मैं कहूँ मेरे बच्चों के पास भी बचपन में स्लेट और ये उनका तो वो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड से भी हट गए, वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो आजकल के जो बच्चे हैं, अगर हम चाहें, अगर मैं जिम्मेदार चाहूँ कि मेरा बच्चा कैलीग्राफी की तरफ आए तो मैं उसको कैसे इस चीज़ की तरफ रागब करूंगी, क्योंकि वो तो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है उन चीज़ों की तरफ। असल में इस दौर का अलमिया ये है, जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे पास तख्ती बेहतरीन ज़रिया थी, उसके बाद स्लेट थी, तो जब ये दोनों ख़त्म हो गए तो आजकल की जनरेशन के ऊपर मैं कहूँगा कि ये जुल्म हुआ है कि उसके हाथ में बॉल पॉइंट पकड़ा दिया गया। बॉल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि एक तरह से अगर किसी की हैंड राइटिंग खुशखत्ती नहीं है, ख़राब है किसी की हैंड राइटिंग और उसके हाथ में आप बॉल पॉइंट दे दें तो फिर उसकी राइटिंग का खुदा हाफिज है, फिर वो बिल्कुल बिगड़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि बॉल पॉइंट एक्चुअली राइटिंग टूल था ही नहीं जी। उसको बना दिया गया है। इस वक्त मैं हैरान हूँ कि बच्चे जो हैं वो इम्तिहान देने के लिए सिर्फ उनको बॉल पॉइंट जो है वो कहा जाता है, जो इंक वाले पेन थे वो अब नहीं है, वो खत्म हो चुका, जबकि इंक वाला पेन जो है उससे लिखा जाता था, बहुत खूबसूरत लिखा जाता था। अगर आप ये कहें कि जी इंक में पेन से इंक खत्म हो जाती है तो हम दो दो पेन लेके जाया करते थे और आप रिफिल कर लेते हो, एक पेन से इंक खत्म हो गई तो दूसरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसका ये लॉजिक नहीं है कि जी इस वजह से बॉल पॉइंट पकड़ा दिया गया। बॉल पॉइंट जो है वो बदखती की तरफ बहुत ज्यादा जो है ना बच्चों को ला रहा है। अच्छा, आपका जमाल भाई इसमें बहुत ज्यादा काम है खुशखती के एतबार से। आजकल के इस डिजिटल दौर में जबकि हमारे सामने लैपटॉप है और हार्डली हम कभी हाथ से कुछ लिखते हैं, बहुत कम होता है, जी जी। क्या मुस्तकबिल है हाथ से लिखा जाने का
और उसमें क्या खुशखती या बदखती का कोई मयार की कोई लॉजिक रह भी जाती है या नहीं? मैं गुज़श्ता 30 बरस से हैंड राइटिंग और खत्ताती सिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे आज से 10 साल पहले भी लोग कहते थे कि आप ये क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर एज है अभी तो, अभी तो कंप्यूटर का काम चल रहा है, कंप्यूटर पे सब कुछ चल रहा है। तो मैं उनको कहता था कि बात ये है कि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है कोई, तो उसका CEO है और उसने जब पेपर आएगा तो उसके ऊपर दस्तखत करने हैं। तो खाली दस्तखत के लिए इतनी खुशखती की क्या? नहीं 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 नहीं, सिग्नेचर यानी हाथ से लिखने का अमल जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हाथ से लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी कहीं ना कहीं हो जाता है, तो उसके लिए अगर सिग्नेचर ही उसको नहीं आते CEO को, तो उसका तो क्या, उसने इतनी बड़ी कंपनी बना के बैठा है। तो हाथ से लिखना जो है उसके लिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एज में किसी भी उम्र में आप हैंडराइटिंग आपकी अच्छी हो जाए, खूबसूरत हो जाए लिखाई आपकी, तो मुमकिन है। इंटरेस्ट जो है ना वो पहली सीढ़ी है कुछ भी सीखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने मॉन्टेसरी से लेकर 70 ईयर्स ओल्ड तक सिखाया स्टूडेंट्स को हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट। जी, आप देखें 70 ईयर्स ओल्ड जब तक उसकी अपनी विल नहीं होगी तो वो नहीं सीख सकता। मैंने कहने को वो भी सोच सकते हैं कि अब मुझे क्या जरूरत है सीखने की। बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि मैं ऐसा है इस तरह कि मैं एक 70 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, एक प्रिंसिपल एक स्कूल की, जिनको मैं उनके स्कूल ऑफ होने के बाद सिखाने जाया करता था। जबरदस्त, अरे वाह, जबरदस्त। अरे तो वो मेरी उनसे कन्वर्सेशन होती थी, वो कहती हैं मेरे बहू हैं बेटे सब डॉक्टर हैं, तो मुझसे पूछते हैं माँ आप इस एज में आप क्या सीख रही हैं। तो मैं कहता था आपने क्या जवाब दिया जी? जो उनका जवाब है मैं आजकल की जनरेशन को कोट करता हूँ, वो जवाब क्या जवाब हम जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि बेटा मैं कोई शौक साथ लेके नहीं जाना चाहता, मैं कोई शौक साथ लेके नहीं जाना चाहती। इंसान वन टाइम आया है दुनिया में, तो जो कुछ करना चाहे तो उसके लिए टाइम है और वो कर सकता है, वो सीख सकता है। तो ये देखें कि ये एक 70 ईयर्स ओल्ड लेडी में ये ख्वाहिश है जबरदस्त के जी वो सीखना चाहे। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, जमाल मोहसिन साहब का कुछ काम अब कंट्रोल रूम कह रहा है कि हम स्क्रीन पे आवेजा करना चाहेंगे, और जमाल भाई साथ साथ उसके बारे में हमें कुछ तफसील भी बताएंगे कि क्या काम है और इसकी क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारी कम इल्मी की माजरत हूं पहले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा काम जो है ज्यादातर जो है वो कूफी मुरबी में है, जो स्क्वायर कूफिक कहलाता है। अच्छा, इसको कूफे किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये स्क्वायर क्यूब्स की फॉर्म में आ रहा है, स्क्वायर में आता है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो वर्टिकल शेप में जो है ये रखा गया। बहुत खूब जी। तो ये कुरान पाक के हवाले से है, वकाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। ये हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान पाक की आयत है, जो अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल लज़ीन आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। तो वो सर्कल में ऊपर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी व बारिक व सल्लम ये लिखा गया है। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तस्बीह है, वहुवल हय्युल क़य्यूम, वहुवल अलीयुल अज़ीम, वहुवल गफूरुर रहीम, वहुवल मलिकुल कुद्दूस, सुभान अल्लाह, वहुवल अरहमुर राहिमीन, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वहुवस समीउल बसीर, वहुवल फत्ताहुल अलीम, वहुवल अलीमुल खबीर, वहुवल अज़ीज़ुल करीम, और वहुवल अलीमुल क़दीर। माशाल्लाह। ये जो है ना हु का बॉर्डर जो है इसको दिया गया है, तो ये तस्बीहात जो है ना इसका टाइटल। बहुत खूब, बहुत खूब। ये कुरान पाक में आयत है, अला इन्ना औलियाल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये औलिया अल्लाह के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको ना कोई खौफ है। अच्छा, ये इसमें मटेरियल क्या यूज हुआ? ये मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं मेरे ख्याल में कुछ चंद खत्तातों में ऐसा हूँ कि मैं मैनुअली और डिजिटली दोनों तरह से। दोनों तरह से। ये अभी जो हमने काम देखा अभी तक आपका, ये इसमें मैनुअल भी है डिजिटल भी है इसमें, लेकिन इसमें फर्क करना बहुत मुश्किल है। मसलन ये मैनुअल है या डिजिटल? ये डिजिटल है। ठीक है, अब जो मैनुअल आएगा उसका बताइएगा। डिजिटल जो है, हाँ ये मैनुअल है ये। अच्छा, ये मैनुअल। जी हाँ।
और देखें कोई उस तरह अगर देखें तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ज्यादा वक्त किस में लगता है, मैनुअल बनाने में या डिजिटल बनाने में? ज्यादा वक्त तो मैनुअल बनाने में लगता है, ठीक है, लेकिन तख्लीक जो है वो यहाँ है जहन में। जी हाँ, तो वो अब ऐसा है कि मेरे लिए आसानी यूं है कि जब एक डिजिटल इमेज बन जाता है तो मेरा उसको जो है ना सफेद कर्तास पे लेके आना जो है वो आसान हो जाता है। ठीक, मतलब आप हर फॉर्म को पहले डिजिटल उस पे लेकर आते हैं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वरना हम जो है ना ये एक्चुअली ये ग्राफिक का काम है तो हम ग्राफ पे जो है ना उसका स्केच करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम उसको वो लेके आते हैं। ये आखिरी जो फनपारा था इसको अगर दोबारा से आवेजा करें कंट्रोल रूम, बहुत ही खूबसूरत, और मैं चाहूंगा कि इसके बारे में जरा जमाल भी कुछ बताइए। जी हाँ, ये कलमा तैयबा का विर्द है जो लिखा गया है। ये ऊपर एक स्क्वायर है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरमियान में आ रहा है और चारों तरफ जो है ना वो उसका जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। बहुत, और इसी तरह ये तीन नीचे जो है ना दो साइडों पे और एक नीचे ये स्क्वायर जो बन रहे हैं ये भी यही जो है ना कंपोजिशन। बहुत खूब, यही तरतीब। जमाल मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फन खताती जो इनका बहुत ही यूनिक अंदाज है पाकिस्तान में भी और बैन अवी सतह पर भी इनका ये अंदाज इनकी पहचान बना। एक राइजिंग पाकिस्तान में छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगु का सिलसिला जारी रखेंगे। कूफी खत के माहिर जमाल मोहसिन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जो बैन अवी सतह पे अपनी कैलीग्राफी के हवाले से अपनी खताती के हवाले से एक नाम रखते हैं और आज भी कहते हैं कि कीबोर्ड आने के बावजूद ये डिजिटल फोन के हिंसे आने के बावजूद और अल्फाबेट्स आने के बावजूद जो हाथ से लिखने का फन है वो ना कभी मरेगा और ना ही मर रहा है। ये बहुत ही खुशाइन बात है। अच्छा, कुछ अपनी फैमिली और खानदान के बारे में बताइए कि ये कैसे नस्ल दर नस्ल फन चला आ रहा है। जी मैं अर्ज करता हूँ, मैं अपनी फैमिली में थर्ड जनरेशन में कैलीग्राफर। माशाल्लाह। मैंने अपने वालिद मरहूम इबन कलीम एहसन निज़ामी जो इस मुल्क के बहुत बड़े खत्तातों में से गुजरे हैं, बल्कि उनका खत्ताती में कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने एक खत 700 साल बाद फन खत्ताती को दिया, खतराना के नाम से। खतराना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खतराना में उन्होंने बड़ा उसमें इज्तिहाद किया खताती में और खतराना का बाकायदा उसूल जवाबित के साथ तख्तियां बनाई जाती हैं, 11 तख्तियां जो कि हर खत की होती हैं, तो वो उन्होंने मुरतब की और बाकायदा कत के साथ, जैसे हम नस्तालीक लिखते हैं तो उसमें अलिफ हम तीन कत की लिखते हैं। ये मुरवजा हैं, ये उसूल तय हैं, तो इसी तरह उन्होंने खतराना में भी ये उसूल तय किए और बाकायदा जो है ना उस पर खत्ताती की और बेशुमार खत्ताती की और कई मुल्कों में पाकिस्तान में भी ये फन खत्ताती जो है वो उसके उसमें खतराना भी सिखाया जाता। तो आपकी फैमिली का ताल्लुक कहाँ से? अब आप बहावलपुर में रहते हैं, लेकिन क्या आप लोग मुल्तान से? जी मुल्तान। अच्छा, मुल्तान से ही, और मुल्तान के तो अपना जो आर्टिसन है उसके अंदर भी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ऐसा है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे वालिद ने अपने वालिद मखदूम मोहम्मद हसन कलीम उनका नाम था, हमारे दादा जो हैं उनसे ये फ़न सीखा और हमारे दादा ने उनके मामू थे उनसे ये फ़न सीखा। और उसके जो पाकिस्तान में जो बाकायदा एक तंजीम थी खत्ताती के फ़रोग के हवाले से, तो जो उस वक्त के बहुत बड़े खत्तात थे ताजुद्दीन जनीर रकम, उन्होंने जो है उनको बकायदा इसका नॉमिनेट किया था। ये तो मुझे लग रहा है तकरीबन 100 साल पहले की, मतलब इन्हीं फैमिली के तकरीबन 100 साल पहले की बात। बिल्कुल। आगे का क्या सिलसिला है? मैं भी यही पूछने लगी थी कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चलती आ रही है, तो अब आगे आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं उनमें से कौन है जो? हाँ, बच्चे हमारे हैं, मेरे भाई जो हैं छोटे वो सारे जो हैं इस फन से वाबस्ता हैं माशाल्लाह और बाकायदा जो है फन खताती सिखा रहे हैं। मुल्तान में एक आर्ट गैलरी बनाई है, मेरे छोटे भाई मोहम्मद मुख्तार अली, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है खताती के हवाले से, बहुत काम किया जा रहा है। मेरे भाई हामिद इकबाल हैं, वो भी बहुत बड़े खताती हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस तरह और मेरे भाई हैं, खताती जो है वो हमारा चूँकि मौरूसी फ़न है ये, तो उसकी तरवीज के लिए हमने बड़ी जो है ना वो जद्दोजहद की है
और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए उसका जो है ना, मैंने भी एक सिलेबस तरतीब दिया है हैंड राइटिंग का, जो लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते वो उस सिलेबस से अपनी लिखाई जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। जी कंट्रोल रूम कह रहा है जमाल भाई के कुछ आपका और काम हम आवेजा करना चाह रहे हैं स्क्रीन पे, कुछ फन पारे हैं जो हम अपने नाजरीन को दिखाना चाह रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। जी हाँ, ये है फफिरू इल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, भागो अल्लाह की तरफ, यानी उसके लिए ये कुरान पाक खूबसूरत माशाल्लाह। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, और ये एक दुआ है कुरान पाक में, रब अदखिलनी मुदखल सिदकिन वाखरिजनी मुखरजा सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये पूरी जो है ना ये स्क्वायर में जो है दुआ ये कंपोज की गई है। जी हाँ जबरदस्त। अच्छा ये जो कलर स्कीमिंग्स हैं ये आप पहले ही सोच लेते हैं या एक नहीं, ये कलर एक पैलेट है जिस पे आप बाद काम में करते हैं? जब एक बन जाता है इमेज उसके बाद फिर कलर स्कीम होती है। ठीक है, और आप क्या मीडियम यूज करते हैं इसको, पेपर पे कर रहे हैं, कैनवस पे है? जी दोनों पे, दोनों पे, पेपर भी कैनवस भी लेदर भी, और वाटर कलर ऑयल पेंट सब हर मीडियम आप यूज करते हैं। ठीक, ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा इजीली माशाल्लाह पढ़ा जा रहा है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल रब्बुल अर्शिल करीम, ये दरमियान में लिखा हुआ है और साइड पे ये फताहुल्लाहुल मलिकुल हक, ये तीन दफ़ा जो है वो तरतीब दिया। ये कुरान पाक की दुआ है, बहुत खूबसूरत, बड़ी मतलब है पढ़ने के लिए कहा जाता है इसको, हर चीज़ का जो है ना मसाइल का हल है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना। फिर आगे ऊपर रेड में लिखा है रब्बना तो हम्मिलना माला ताकत लना भी वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। माशाल्लाह, ये हर एक को मुसलमान को याद करनी चाहिए दुआ, ये तमाम मसाइल का हल है। सुभान अल्लाह। ये लिखा हुआ है ला ग़ालिबु इल्लल्लाह, और ये बाएं तरफ इसका अक्स है, मिरर इमेज। जी हाँ, मिरर इमेज है ये। वाह बहुत खूब जी, बहुत खूब। ये ऊपर ये देखें, ये दो धारी तरवाल थी मौला अली जो हैं हज़रत अली करम अल्लाह वजुल करीम की, तो ये ला फता इल्ला अला ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, उसके लिए ये जो लिखा हुआ है। अच्छा, उसकी पूरी थीम। जी हाँ, बेशक पढ़ते हैं उसके मुताबिक, और इस पे कई बार जैसा शायरी की हम कहते हैं आमद होती है, इसकी भी आमद होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक, कई बार अचानक दो मिनट में ही कुछ कॉन्सेप्ट बन जाता है, कोई शक नहीं है। हमने एक कंपोजिशन बनाई है, फिर वो नेक्स्ट सिटिंग में बैठे तो वो कुछ और जो है ना उसमें एडिशन हो गई है, कुछ और चेंजिंग आ गई है। अच्छा जवाल भाई, आपके लिए बहुत से सवाल आ रहे हैं और मेरा ख्याल है उसका हल ये है कि आप अगर ये बता दें कि ऑनलाइन आपसे, क्योंकि जैसा ये ताहिरा है पिंडी भटिया में रहती जी और ये कह रही है कि मैं भी खत्ताती करती हूँ, मजीद निखार लाने के लिए और सफाई पैदा करने के लिए कौन सी निब इस्तेमाल करूँ, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, वजाहत करें जी। ये खैर बड़ा ही मुश्किल से निब तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए कलम जो है सरकंडे का कलम जो है वो आप बारीक जो है ना वो काट के तो उससे आप जो है ना लिख सकते हैं। ठीक है, सरकंडे का कलम जो है उससे लिखा जाता। अच्छा, अब कंट्रोल रूम कह रहा है कि बहुत से सवाल आ रहे हैं आपके लिए और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो आप ये बताइए कि ऑनलाइन आपसे कैसे राबता किया जा सकता है, ये बच्चे पूरे पाकिस्तान में आपसे अगर आपके फन से और आपकी रहनुमाई से इस्तेफादा करना चाहें तो कुछ हिदायत फरमाइए कि किस कहां। मेरी वेबसाइट है handwriting.pk, उस पर जाएं, उस पर आप जाके सिखाते हैं। जी हाँ, उस पर जाके बिल्कुल मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, और ये ना सीखने वाले जो हैं उनका हक है कि उस उनको सीखना चाहिए, तो आप सर्चिंग में हैं जहाँ भी तलाश करें तो वो गूगल पे तो जी अवेलेबल हैं। और अच्छा कंट्रोल रूम कह रहा है कि जी मोहसिन साहब ने रात को हमें एक स्लाइड आखिर में भेजी है, जबरदस्त जी, जी। अरे वाह जी, ये तो तौसीक है, वाह वाह बहुत शुक्रिया तौसीफ खैदर, आपने लिखा है मिरर इमेज में। जी मिरर इमेज में ये लिखा है और ऊपर जो ना ये ऑर्नामेंट है एक बहुत खूबसूरत। अच्छा ये डिजिटल होगा क्योंकि रातों रात आपने बनाया है, ये मैनुअल तो नहीं होगा। जी हां यकीनन डिजिटल, लेकिन आप बहुत इनायत आपकी कि आपने रात सोने से पहले इस पे काम किया। जी कंट्रोल रूम क्या कह रहे हैं, कलर स्कीमिंग्स भी बहुत प्यारी हैं और बहुत बहुत खूबसूरत। बात ये है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया करना, ये PTV होम के लिए मैं बहुत बड़ा मतलब मैं मशकूर हूँ इस हवाले से, और आप
दोनों का कि आपने मुझे याद किया और मैं अपनी बात जो है यहाँ पे कर सका, तो ये तो जो है ना बनता है। नहीं, नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत है आपकी, आई एम रियली ऑनर्ड। जमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। आपने हमारा शो देखा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। खुश रहें, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।